लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था एवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। इसके बाद दो मेजर टॉपिक सामने निकल के आते हैं, एक है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरा है पब्लिक च्वाइस अप्रोच। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत सारे बुक में पहले दिया है, पब्लिक च्वाइस अप्रोच बाद में दिया है, लेकिन ये दोनों समकालीन घटना है, इसलिए हम लोग पहले पब्लिक च्वाइस अप्रोच को देखेंगे, उसके बाद हम लोग न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पब्लिक च्वाइस अप्रोच जो है, ये वर्ड अगर सुनेंगे तो आपके दिमाग में एक चीज आ जाएगी कि इसमें कहीं ना कहीं च्वाइस की बात हो रही है। एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे एक समय है सन 2000 का, 1999 या 96 का समय आप मान लीजिए, और आपको मोबाइल से सिम कार्ड खरीदना है। तो आपको दुकान पे जाते हैं, आपको बहुत सारी कंपनियां नहीं मिलती हैं, एक ही कंपनी मिलती है BSNL, और आप उसका सिम ले लेते हैं। अब आ जाइए फास्ट फॉरवर्ड में 2019, अभी आप दुकान पे जाते हैं, आपको 500 सिम 500 कंपनियां मिल जाएंगी जिससे आप सिम खरीद सकते हैं। तो अब आप कंपेयर कीजिए उस पुराने दिनों को और नए दिनों को। दोनों में आप पाएंगे कि उस समय आपका चॉइस लिमिटेड था, सिंगल था, आपको मजबूरी में चाहे BSNL सही दे सर्विस या ना दे वही सिम लेना था, लेकिन अभी आपके पास च्वाइसेज बढ़ गए हैं, यानी कि आप एयरटेल भी ले सकते हो, जियो भी ले सकते हो, आइडिया भी ले सकते हो, यानी आप हो और आपके च्वाइसेज अब बहुत ज्यादा हो गए हैं। लेकिन पब्लिक च्वाइस क्या है कि पब्लिक के पास च्वाइसेज रहें किसी भी सर्विसेज और गुड्स को अवेल करने के, उसके पास डिफरेंट च्वाइसेज रहेंगे, उससे बहुत सारी चीज़ें होंगी इकोनॉमी में, वो हम देखेंगे आगे। लेकिन पब्लिक च्वाइस का मीनिंग यही है। अभी चलते हैं आगे। देखिए, आप किसी भी चीज़ की एग्जैक्ट डिफिनेशन के चक्कर में मत रहिएगा, क्योंकि एक जो अप्रोच है, अप्रोच को डिफाइन करना मुश्किल है, क्योंकि किसी भी अप्रोच का करैक्टरिस्टिक होता है, उसको एक वर्ड में या एक लाइन में डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल काम है। वो आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट भी बताएगा, निगेटिव एस्पेक्ट भी बताएगा, बोलेगा कि इसका ये एक प्रॉपर्टी है, ये दूसरा प्रॉपर्टी है, तीसरा प्रॉपर्टीज है, तो उसको एक वर्ड में डिफाइन नहीं कर सकते। इसीलिए पब्लिक च्वाइस अप्रोच को हम लोग एक वर्ड में डिफाइन ना करके जानेंगे कि आखिर ये कहना क्या जाता है। ये लगभग एक घंटे का लेक्चर है, लेकिन आपको मैं अगर सरल भाषा में समझाऊं पब्लिक च्वाइस अप्रोच का, तो ये पूरे चैप्टर का सार निकल के आता है। वो मैं आपको एक या दो सेंटेंस में मैं आपको बता देना चाहता हूँ। निचोड़ पूरे पूरे इस टॉपिक का निचोड़ क्या है। इस पूरे टॉपिक का यही निचोड़ है कि जो स्टेट है, जिसको हम लोग गवर्नमेंट भी बोलते हैं, वो ओवरलेटेड है अपने वेलफेयर फंक्शन से। इसके पास बहुत ज़्यादा फंक्शन है, और ब्यूरोक्रेसी जो है वो अपने पर्सनल गेन के लिए काम कर रही है, यानी अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए सिस्टम में इनएफिशिएंसी है। अब इन इनएफिशिएंसी को खत्म करने के लिए मार्केट को भी शामिल करना चाहिए गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन में, ताकि सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए ज्यादा से ज्यादा इंस्टीट्यूशन हो। इससे क्या होगा कि पब्लिक को डिफरेंट और गुड्स के सर्विसेज के बीच में चूज करने का मौका मिलेगा, यानी डिफरेंट गुड्स और सर्विसेज को चूज कर सकेगी, इससे सिस्टम में कॉम्पिटिशन आएगा और जिससे इकोनॉमी और इफिशियंसी बढ़ेगी। ये पूरे सिस्टम का निचोड़ है। गवर्नमेंट ओवरलोडेड है, ओवरबर्डेंड है, ब्यूरोक्रेसी अपना पर्सनल इंटरेस्ट चाहती है, एक ही मोनोपोली है ब्यूरोक्रेसी का, वो ही मार्केट में गुड सर्विसेज प्रोवाइड करा रही है, इसलिए इनएफिशिएंसी है। इनएफिशिएंसी को खत्म करने के लिए मार्केट को भी लाओ प्रोडक्शन में, मार्केट प्रोडक्शन की में आएगी तो कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा, पब्लिक च्वाइस बढ़ जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन रहेंगे, जिससे सिस्टम में इकोनॉमी और इफिशियंसी आएगी। ये पूरा सार है, एक जिस्ट है। अब चलेंगे इसके हिस्ट्री में। अब हम लोग पढ़ेंगे पूरा पब्लिक च्वाइस अप्रोच कहता है क्या है, और इसके कौन कौन से इसके प्रोमिनेंट थिंकर्स हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हिस्ट्री पब्लिक च्वाइस अप्रोच की क्या है। 1940 और 50 के दशक का समय है। इस समय क्या था कि हर कोई सरकार की तरफ निगाह लगा के देखा है हर काम के लिए, यानी कि वेलफेयर का जितना भी मेजर लग उठाना है या गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन है, हर चीज के लिए आदमी सरकार की तरफ देख रहा है कि सरकार ही प्रोवाइड कराएगी। और इस समय वेलफेयर मेजर्स बहुत चल रहा है, वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है, हर एक वेलफेयर का काम सरकार अपने तरीके से देख रही है। ये डेवलपमेंट फंक्शन भी कर रही है और नॉन डेवलपमेंट फंक्शन भी, दोनों भी कर रही है, यानी वर्चुअली सरकार ही हर एक काम कर रही है, जिससे क्या हो गया, सरकार यानी स्टेट को घाटा होने लगा फाइनेंस के दृष्टि से देखा जाए तो, यानी स्टेट ओवरलोडेड हो गया। जैसे जैसे टाइम बीतता गया ये सिस्टम और भी एडवर्स होते गया, और सरकार का जो दायरा है वो बढ़ता गया, ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटी सरकार करने लगी, तो इस सरकार का दायरा बढ़ता गया और सिस्टम धीरे धीरे सिस्टम कमजोर पड़ता गया। अब इससे क्या हुआ,
कि अब ज्यादा ओवरलोड हो जाएगा, सब कोई वेलफेयर फंक्शन ही खोजेगा, क्योंकि सरकार तो गुड्स एंड प्रोडक्शन का सर्विसेज प्रॉफिट मोटिव के लिए बात नहीं रही है, तो सरकार के सर्विसेज को सभी लेंगे बिना प्रॉफिट मोटिव के, तो सरकार जरूरी है कि ओवरबर्डन हो ही जाएगा। इससे क्या होगा कि सिस्टम में इनफिशियंसी आ जाएगी। एक आदमी अगर गुड्स एंड सर्विसेज सही से प्रोवाइड नहीं कर पा रही है, यानी सरकार नहीं कर पा रहा है, तो लोग अब उसको उस निगाह से देखेंगे कि अरे ये सरकार ऐसे ही है, ये कुछ नहीं करने वाली, सब काम हमें खुद से ही करना है। तो लोग क्या हो जाएंगे, सरकार के प्रति एलिनेटेड हो जाएंगे। और 50 से 60 के दशक के बीच में यही हो रहा था, सरकार में इनफिशियंसी थी, और इस इनफिशियंसी को देख के लोगों के बीच में जो कॉन्फिडेंस था सरकार के प्रति, वो कॉन्फिडेंस खत्म हो गया था। जे हेबरमास थे, थिंकर हैं, उन्होंने बताया इसको हम लोग बोलेंगे क्राइसिस ऑफ लेजिटिमेसी। अब जो क्राइसिस ऑफ लेजिटिमेसी ये टर्म है, इसका मतलब क्या है, हेबरमास क्या बोलना चाहते हैं कि सरकार कोई भी अगर काम कर रही है तो उसके पास लेजिटिमेसी है, और उस लेजिटिमेसी को कौन प्रोवाइड कराया है, हमने वोट दिया है तो वो चुन के आई है सरकार और वो काम कर रही है। अगर वो हमारा काम नहीं करे तो ये एक क्राइसिस ऑफ लेजिटिमेसी है। क्यों? क्योंकि जो उसको लेजिटिमेट कर रहा है पब्लिक, हम लेजिटिमेट से उसमें कॉन्फिडेंस खत्म कर देंगे तो उसकी लेजिटिमेसी भी एक तरह से खत्म हो जाएगी सरकार की। तो हेबरमास बोलते हैं कि ये जो दौर है 50 से 60 का, ये जो दशक चल रहा है, ये क्राइसिस ऑफ लेजिटिमेसी है, और हमें कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव ढूंढना चाहिए इस चीज का। सरकार ओवरबर्डन है, इनफिशियंट है, तो हमें कोई ना कोई इसका अल्टरनेटिव ढूंढना चाहिए। तो इससे एक नई राइट फिलोसफी, जिसको बोलते हैं न्यू राइट फिलोसफी, एक अलग तरह की फिलोसफी है, जैसे अपने यहाँ राइट लेफ्ट सेंटर है, वैसे ही न्यू राइट फिलोसफी है, ये इमर्ज होती है इसके बैकग्राउंड में, इसी बैकड्रॉप में ये न्यू राइट फिलोसफी इमर्ज हो के आती है। इसी न्यू राइट फिलोसफी का एक स्कूल है जिसको बोलते हैं पब्लिक चॉइस अप्रोच। इसके 4 टोटल स्कूल हुए, एक शिकागो स्कूल ऑफ थॉट हुआ, ऑस्ट्रियन स्कूल ऑफ थॉट हुआ, सप्लाई साइड हुआ, और पब्लिक चॉइस अप्रोच, इसी से निकल के आया पब्लिक चॉइस अप्रोच, चलते हैं। तो हमने देखा कि न्यू राइट फिलोसफी बैकग्राउंड में आ रहे थे। न्यू राइट फिलोसफी कहती है कि स्टेट को रोल बैक हो जाना चाहिए, रोल बैक हो जाना चाहिए, यानी कि जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन है, जो स्टेट का फंक्शन है, उसे अपने हाथ पीछे खींच देना चाहिए। हाथ पीछे खींचने का ये मतलब नहीं है कि स्टेट जो है वो कमजोर हो जाए, वो स्टेट स्ट्रांग बरकरार रहे, अपने हाथ खींचे, लेकिन उसको मॉनिटर करे, उसको रेगुलेट करे, उसको कंट्रोल करे। न्यू राइट फिलोसफी यही बोलती है कि सरकार पे जो एक्स्ट्रा जो ओवरलोड हो चुका है, इसको अनलोड किया जाए और इसको दिया जाए नॉन स्टेट ऑर्गेनाइजेशन को, इस लोड को नॉन स्टेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ शेयर किया जाए, और स्टेट को हमें कोर एरिया में ही श्रिंक हो जाना चाहिए। जैसे अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कोर एरियाज में ही गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करती है, हो सकता है न्यूक्लियर हो, डिफेंस हो, तो कोर एरिया तक ही हमें सीमित रहना चाहिए। ये 50 से 60 का दशक है, अभी उसी की चर्चा हो रही है। मार्केट इकोनॉमी है, उसको वो गलत तरीके से रॉन्ग मीन से अपना प्रॉफिट निकाल सकती है, यानी कि उसका जो एंड है वो गेन है, प्रॉफिट है, कैसे भी उसको प्रॉफिट कमाना है। तो इस दौर में अगर हम लोग स्टेट के साथ साथ मार्केट को भी अगर सामने लेके आते हैं और स्टेट को श्रिंक कर देते हैं कोर एरिया तक, तो ऐसा चांसेज है कि जो मार्केट इकोनॉमी है वो गलत तरीके से केवल अपने प्रॉफिट के लिए काम करे, इससे पीपल क्या होंगे, जो लोग क्या होंगे, उनका एक्सप्लाइटेशन, उनका शोषण बढ़ जाएगा। इसको खत्म करने के लिए न्यू राइट फिलोसफी कहती है कि स्टेट को शेयर करना चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, ना कि कंप्लीट ट्रांसफर करना चाहिए मार्केट इकोनॉमी के साथ। स्टेट और मार्केट दोनों मिल के साथ करेंगे, साथ काम करेंगे, और जिससे सिस्टम में इकोनॉमी और एफिशिएंसी आएगी और जो आम लोग हैं उनका एक्सप्लाइटेशन नहीं होगा। ये बोलता है न्यू राइट फिलोसफी कि स्टेट का रोल टू चेंज कर रहे हैं हम लोग, लेकिन स्टेट के रोल को हम लोग अंडरमाइन नहीं कर रहे हैं। स्टेट को अभी हम सुप्रीम मानने की कोशिश कर रहे हैं। स्टेट सुप्रीम है, स्मॉल है, लेकिन पावरफुल है। स्टेट सब चीज कंट्रोल करेगा, लेकिन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज शेयर करेगा मार्केट्स के साथ। चलते हैं आगे। अगर इसको सम किया जाए तो स्टेट को स्ट्रांग रहना है नॉलेज, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में, कोर्सिव पावर के फील्ड में, और अगर ऐसा स्टेट नहीं कर पाती है तो जो मार्केट है वो स्टेट का फायदा उठाएगा और गरीब लोगों का शोषण करेगा। तो पब्लिक च्वाइस अप्रोच जो है, यही न्यू राइट फिलोसफी है, इसी का एक अंग है। जैसे RSS और BJP, तो RSS का एक तरह से एक्सटेंशन मान लीजिए BJP, अगर पॉलिटिकल स्फीयर में देखा जाए, तो वैसे ही पब्लिक च्वाइस अप्रोच जो है
ये पार्ट है, एक तरह से एक्सटेंशन है न्यू राइट फिलोसफी का। इसको अगर एक वर्ड में डिफाइन करें तो इसको बोलते हैं डिफाइंड एज इकोनॉमिक्स, अप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स टू पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में इकोनॉमिक्स को हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, इकोनॉमी और एफिशिएंसी पे चर्चा कर रहे हैं, इसीलिए है ये अप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स टू पॉलिटिकल साइंस। ये तो वन लाइनर डिफिनेशन हुआ, लेकिन ये थ्योरी क्या क्या कहती है, क्या क्या इसके प्रिंसिपल हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक हैं, और डिफरेंट लोगों के क्या क्या ओपिनियन है, हम देखेंगे अगले स्लाइड में। चलते हैं आगे। आगे हम देखेंगे पब्लिक चॉइस अप्रोच के प्रिंसिपल के बारे में। तो पब्लिक चॉइस अप्रोच को चीफली प्रोपाउंड किया गया था विलियम निस्केनन के द्वारा और विंसेंट ओस्ट्रोम के द्वारा। और पब्लिक चॉइस थ्योरी है वो बेसिकली तीन उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, यानी तीन पिलर्स पे वो काम करती है, तीन पिलर्स पे वो आधारित है, यानी तीन इसके सिद्धांत है। सबसे पहला है मेथोडोलॉजी, यानी जो प्रिंसिपल एसोसिएटेड है इससे जुड़े हुए प्रिंसिपल हैं वो दो हैं, उसके दो एलिमेंट हैं। पहले हम उस प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे, यानी कि ये जो भी नेक्स्ट डिस्कशन होगा वो एक तरह से आप मान लीजिए कि ये करैक्टरिस्टिक फीचर है पब्लिक चॉइस अप्रोच के। मेथोडोलॉजिकल इंडिविजुअलिज्म क्या है, ये डिनाई करता है कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, यानी कि ये कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग को हमेशा गलत ठहराता है, और ये बोलता है कि इंडिविजुअल को ही बेसिस ऑफ किसी भी डिसीजन मेकिंग का बेसिस मानना चाहिए और इंडिविजुअल को ही हमेशा डिसीजन लेना चाहिए। जो ऑर्गेनाइजेशन में कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग है उसको मेथोडोलॉजिकल इंडिविजुअलिज्म गलत ठहराता है और बोलता है कि इंडिविजुअल ही डिसीजन लेना चाहिए। ये एक पहला मेथोडोलॉजी है। दूसरा ये कंसेप्ट लाता है पब्लिक चॉइस अप्रोच इकोनॉमिक और रेशनल मैन का। ये बोलता है कि जो मैन काम करता है ऑर्गेनाइजेशन में वो हर एक स्टेज पे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हर एक चीज का देखता है और उसे वो देखता है कि किस चीज से मुझे ज्यादा फायदा होगा। जिस चीज से उसे ज्यादा फायदा होगा उसका मिनिमम कॉस्ट लगेगा, मैक्सिमम बेनिफिट निकलेगा, वो चीज करेगा। तो ये है रेशनल मैन का कंसेप्ट, और ये दोनों मेथोडोलॉजी है किसके, पब्लिक चॉइस अप्रोच के। चलते हैं आगे। आगे का जो कॉन्सेप्ट है उसको बोला जाता है यूटिलिटी मैक्सिमाइजर। जो वेवेरियन ब्यूरोक्रेसी है जो कि बेस्ड है हायरार्की लाइन ऑफ कंट्रोल पे या टॉप डाउन मॉडल जो है, तो वेवेरियन ब्यूरोक्रेसी में जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको वेवर बोलते हैं कि उनके पास नॉलेज है, एक्सपर्टाइज है, वो रेशनल है, यानी कि उनको एक आइडियल के मार्फत उनको समझता है वेबर और बोलता है कि वो जो भी काम करेंगे, ब्यूरोक्रेट्स जो भी काम करेंगे पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम करेंगे। लेकिन ये जो पॉलिटिकल आइडियलिज्म है, यानी कि जो हर चीज को आप आइडियल मान रहे हैं, यानी ब्यूरोक्रेसी को वो आइडियल मानते थे वेबर, उसको क्रिटिसाइज करते हैं पीटर सेल्फ। बोलते हैं कि ये जो आपका सोच है ये यूटोपियन सोच है, पॉलिटिकल आइडियलिज्म जो इस तरह का आप दिखा रहे हो ये रियलिटी में संभव नहीं है। जो मिनिस्टर हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं वो कभी भी पब्लिक इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए काम नहीं करते, उसमें अपना इंटरेस्ट उनका छिपा होता है। वेबर का एक तरह का क्रिटिक है, आप देखोगे तो पब्लिक चॉइस अप्रोच एक तरह का क्रिटिक है जो आपको क्लासिकल जितने भी थ्योरिस्ट हैं उनका क्रिटिसिज्म दिखता है आपको पब्लिक चॉइस अप्रोच में। तो पब्लिक चॉइस अप्रोच क्या करता है, ये जो ट्रेडिशनल थ्योरी है वेबर का इसको दरकिनार करता है, एकदम सिरे से खारिज करता है और बोलता है कि इंडिविजुअल एक रेशनल मैन है, ये हमेशा चाहेगा कि अपना जो फायदा है उसको मैक्सिमाइज करें, और ब्यूरोक्रेट्स को वो बोलता है पब्लिक चॉइस अप्रोच कि ये बजट मैक्सिमाइजर है, ये चाहते हैं कि इनका जो एलोकेटेड बजट है यानी कि इनको जो पैसा मिला है किसी भी डिपार्टमेंट के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े कि इनको फायदा हो। वैसे ही पॉलिटिशियन जो है वो वोट को मैक्सिमाइज करने के लिए कोई भी डिसीजन देते हैं या कोई भी वो अपना वादा करते हैं ताकि उनका वोट ज्यादा से ज्यादा बढ़ सके, वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं ना कि वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं। इंटर्न वो वोटर को भी क्रिटिसाइज करता है यूटिलिटी मैक्सिमाइजर में, आप जो वोटिंग देने जाते हैं वो भी चाहते हैं कि हमारे गली का ये रोड बन जाए इसीलिए हम लोग वोट दें इसको, और वो भी चाहता है कि मैं ऐसा वादा करूं जो पॉलिटिशियन है ताकि इन सब का वोट मिल सके। तो सब अपना अपना बेनिफिट मैक्सिमाइज करने के लिए लगे हैं। तो यही है यूटिलिटी मैक्सिमाइजर, वो बोलता है कि हर एक आदमी जो है वो रेशनल है और वो चाहता है कि मैं अपना ज़्यादा से ज़्यादा अपना फ़ायदा बढ़ा सकूँ, वेदर वो पॉलिटिशियन हो या ब्यूरोक्रेट हो या आम जनता हो। चलते हैं आगे। अगला देखते हैं प्रस्पेक्टिव कैरेक्टर। प्रस्पेक्टिव कैरेक्टर क्या है, ये भी एक पिलर है पब्लिक चॉइस अप्रोच का।
पर्सपेक्टिव का मतलब होता है आप किसी चीज को किस नजरिए से देखते हैं। तो पब्लिक चॉइस अप्रोच का क्या व्यू है, पब्लिक चॉइस अप्रोच ये मानता है कि मार्केट जो होता है वो कंपटीशन पे बेस्ड है। लेकिन ठीक इसके उल्टा 1970 और 1980 के दशक में कोई भी कंपटीशन देने के लिए नहीं था स्टेट को, यानी स्टेट का कोई भी कंपटीटर नहीं था और स्टेट हमेशा मोनोपोली एंजॉय कर रही थी। हर एक चीज की गुड्स और प्रोडक्शन के सर्विस में केवल स्टेट ही थी और ब्यूरोक्रेट्स को किसी भी चीज की अर्जेंसी नहीं थी कि कोई मेरे कस्टमर यहां से भाग के कहीं और कहां जाएगा, मैं ही तो गुड्स का प्रोडक्शन कर रहा हूं, तो उसके पास कोई अर्जेंसी नहीं थी। इससे क्या था, एफिशिएंसी और इकोनॉमी में काफी गिरावट हमको देखने को आई। तो इसीलिए पब्लिक चॉइस अप्रोच ने कहा कि हमें सिस्टम में कंपटीशन लाना चाहिए। कंपटीशन कैसे आएगा, तो इंस्टीट्यूशनल प्लुरलिज्म से आएगा। ये जो भारी भरकम वर्ड है इंस्टीट्यूशनल प्लुरलिज्म, इसका ज्यादा हार्ड नहीं है। इंस्टीट्यूशनल कहने का मतलब बहुत सारे इंस्टीट्यूशन, प्लुरलिज्म कहने का मतलब सिंगुलर यानी एक ही, प्लुरल मतलब बहुत सारे, कहने का मतलब जैसे मैंने सिम का एग्जाम्पल लिया था जियो का, अभी क्या है इंस्टीट्यूशनल प्लुरलिज्म है यानी बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है, जियो आइडिया एयरटेल ये बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है। तो इसलिए क्या है कि कंपटीशन है मार्केट में। वही चीज यहां बताने की कोशिश कर रहा है कि 80 और 90 के दशक में ब्यूरोक्रेसी के पास कोई कंपटीटर नहीं है, इसलिए वो मोनोपोली एंजॉय करती है, कोई अर्जेंसी नहीं है, इसलिए एफिशिएंसी और इकोनॉमी है वो कम हो जाती है। इसीलिए पब्लिक चॉइस अप्रोच बोलता है कि आप कंपटीशन लाइए सिस्टम में। कैसे लाएंगे, इंस्टीट्यूशनल प्लुरलिज्म के थ्रू, बहुत सारे कंपनियां या स्टेक होल्डर्स इसमें आप शामिल कीजिए जो कि प्रोडक्शन करेंगे गुड्स और सर्विसेज का। और इससे क्या होगा कि हेल्दी कंपटीशन होगा और पब्लिक को एक ऑप्शन मिलेगा चॉइस और एग्जिट का। यानी पब्लिक चॉइस थ्योरी एक कंसेप्ट नया लाती है चॉइस एंड एग्जिट का। चॉइस कहने का मतलब जो हम चीज अगर चाहें तो वो हम लें, अगर वो हमें पसंद नहीं तो हम एग्जिट हो जाएं। कहने का मतलब अगर मुझे जियो पसंद नहीं तो मैं एयरटेल का चूज करूंगा और जियो से एग्जिट हो लूंगा। तो पब्लिक चॉइस अप्रोच बेसिकली फोकस करता है इंस्टीट्यूशनल प्लुरलिज्म पर, ये भी इसका एक प्रिंसिपल है। चलते हैं आगे। तो अभी हम लोगों ने देख लिया पब्लिक चॉइस अप्रोच के कुछ प्रिंसिपल के बारे में, किस आइडियोलॉजी पर पब्लिक चॉइस अप्रोच बेस्ड है, और हमने एक जनरल इंट्रोडक्शन दिया। अगर हम लोग पब्लिक चॉइस अप्रोच को अगर कंक्लूड करना है, यानी इसके डिफिनेशन को ये है क्या, इसको अगर कंक्लूड करना है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि पब्लिक चॉइस अप्रोच इज एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इन द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में अगर हम इकोनॉमिक्स अप्लाई करें तो उसे हम लोग बोलते हैं पब्लिक चॉइस अप्रोच। और ये मेनली इसके विंसेंट ऑस्टम, जहां तक मैंने बताया, और निस्केनन जो थे मेन थ्योरिस्ट हैं इसके, या मेन जो आइडिया कॉन्सेप्ट इसका दिया हुआ है ये इन्हीं के द्वारा दिया गया है 1960 के दशक में। ये बोलता है कि गुड्स और सर्विसेज को के मेथड को कैसे इम्प्रूव बनाया जाए, यानी कि गुड्स और सर्विसेज को जो डिलीवरी की जा रही है उसको कैसे हम लोग और इफिशियंट बना सकते हैं। ये ब्यूरोक्रेटिक मॉडल को, यानी वेबर के ब्यूरोक्रेटिक मॉडल को क्रिटिसाइज करता है और ये चाहता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बने ज़्यादा से ज़्यादा इफिशियंट और रेस्पॉन्सिव। पब्लिक चॉइस अप्रोच ये भी कहता है कि कंपटीशन को सिस्टम में लाया जाए। ये इंस्टीट्यूशनल प्लुरलिज्म की बात करता है ताकि सर्विस का जो स्टैंडर्ड हो वो बढ़े और पब्लिक चॉइसेज में ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि हो। तो एक तरह से अगर हम लोग कंक्लूड करें तो पब्लिक चॉइस अप्रोच इसी में आता है। चलते हैं आगे। तो अभी तक ने हमने देख लिया था पब्लिक चॉइस अप्रोच के बारे में, एक बेसिक आइडिया लिया, उसके करेक्टरिस्टिक देखे। अभी इंडिविजुअल जो लोग इस पे जो बात बोले हैं उनको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे विंसेंट ऑस्ट्रम से। विंसेंट ऑस्ट्रम ने एक बुक लिखा था 1974 में, उसको बोला जाता है द इंटेलेक्चुअल क्राइसिस इन अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें विंसेंट ऑस्ट्रम की जो वेबर की ब्यूरोक्रेसी है और जितने भी क्लासिकल थ्योरिस्ट हैं उनको ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि उनका जो आइडिया जो दिया गया है वो हाईली मैकेनिस्टिक है और सेंट्रलाइज है। साइमन पे बोलते हैं कि जो साइमन ने डिसीजन मेकिंग जो थ्योरी दिया है उसमें वो बोलते हैं, ये विंसेंट ऑस्ट्रम बोल रहे हैं साइमन के बारे में, कि जो उनका डिसीजन मेकिंग थ्योरी है वो उसमें वैल्यू और फैक्चुअल कंपोनेंट भी है। मैंने आपको लास्ट टू लास्ट लेक्चर में वैल्यू और फैक्ट के बारे में बताया था, आप उसको रेफर कर सकते हैं। तो साइमन पे ये बोल रहे हैं कि साइमन तो एक तरह से क्रिटिक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी का, लेकिन साइमन अपने स्टेटमेंट में बोल रहे हैं कि जो डिसीजन लिया जाता है वो बेस्ड होता है वैल्यू और फैक्ट दोनों कंपोनेंट पे। और साइमन ये भी बोलते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन शुड कंसीडर फैक्चुअल पार्ट को एडमिनिस्ट्रेशन कंसीडर करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा फैक्ट पे फोकस करना चाहिए। यानी कि बैकडोर से साइमन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं डाइकोटोमी को, यानी कि वो एडमिनिस्ट्रेशन को जोड़ रहे हैं फैक्ट के साथ और पॉलिटिक्स जो है वो वैल्यू के साथ।
यानी पॉलिटिक्स में वैल्यू वैल्यू बेस्ड है और एडमिनिस्ट्रेशन को वो फैक्ट बेस्ड बताने की कोशिश कर रहे हैं। यानी बैकडोर से एक तरह तो साइमन आलोचना कर रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी की आलोचना कर रहे हैं, लेकिन दूसरे एस्पेक्ट से साइमन वो डाइकोटोमी को प्रोपोगेट भी कर रहे हैं इस व्यू से। ये साइमन के बारे में उनका बोलना था। तीसरे में बोल रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी जो है उस वो काफी बढ़ गया है और करप्ट हो गया है। इसको काउंटर करने के लिए वो तीन चीज बताते हैं, ऑस्ट्रोम सॉल्यूशन देते हैं कि ब्यूरोक्रेसी वो ज्यादा करप्ट हो गई है और ज्यादा एक तरह से ओवरग्रोन हो गई है, उस पर ज्यादा बर्डन है। तो ऑस्ट्रोम बोलते हैं कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको डिवाइड कर दो, यानी ब्यूरोक्रेसी के अंदर ही आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिवाइड कर दो। इसको वो बोलते हैं डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये बोलते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आप डेमोक्रेटाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ बढ़े ऑर्गेनाइजेशन कंपटीशन के थ्रू। ऑर्गेनाइजेशन में अगर कंपटीशन आएगा तो ये ज्यादा डेमोक्रेटाइज हो जाएगा और ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड हो जाएगा। फिर वो बोलते हैं कि डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन जो एक तरह से इफिशियंट और इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन है उसको एडॉप्ट करें। ये सारा डेमोक्रेटिक आ रहा है, इसका मतलब यही है कि ये सेंट्रलाइज्ड है ब्यूरोक्रेसी, इसको डिसेंट्रलाइज करो। डिसीजन मेकिंग और निचले स्तर पर भी होना चाहिए, ये एक एस्पेक्ट है डिसेंट्रलाइजेशन की जहां तक वो बात कर रहे हैं। दूसरा वो बात कर रहे हैं मार्केट के सापेक्ष में डिसेंट्रलाइजेशन का, यानी कि जो प्रोडक्शन है उसको भी डिसेंट्रलाइज करो, वो खुद के पास मत रखो, उसको बांटो, कोई भी पब्लिक या प्राइवेट एजेंसी है उसको भी सामने लाओ। वो बोल रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो फेल हो रही है और मार्केट इकोनॉमी ज्यादा सेंसिटिव है, तो इसीलिए हमें जो मार्केट मैकेनिज्म है और जो प्रैक्टिसेज है उसको हमें ब्यूरोक्रेसी में लाना चाहिए। ये है व्यू विंसेंट ओस्ट्रोम का। चलते हैं आगे, आगे डिस्कस करते हैं गॉर्डन टलक के बारे में। गॉर्डन टलक ने एक बुक पब्लिश की थी द कैलकुलस ऑफ कंसेंट 1962 में, और ये काफी बोल्डली डिफाइन करते हैं या बोल्डली बताते हैं पब्लिक चॉइस अप्रोच के बारे में। टलक आइडेंटिफाई करते हैं कि स्टेट जो है उसके साथ तीन प्रॉब्लम है। वो तीन प्रॉब्लम है सेल्फिशनेस का, एब्सेंस ऑफ कंपटीशन का और एब्सेंस ऑफ एप्रोप्रिएट मेजरिंग टूल्स का। वो सेल्फिशनेस के बारे में बताते हैं, बोलते हैं कि मैन जो है वो रेशनल है बाय नेचर, और मैन जो है वो रेशनल मैन का कंसेप्ट फिर से लाते हैं। वो बोलते हैं कि अपने सेल्फिश के लिए काम करते हैं। वो बोलते हैं कि मैं ऐसा नहीं कहता कि हर एक आदमी खुद के इंटरेस्ट के लिए काम करता है, लेकिन एवरेज जो आदमी है वो सेल्फ ओरिएंटेड है ही, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में देखा जाए, और पब्लिक सेक्टर में ये खास करके दिखता है। प्राइवेट सेक्टर में ऐसा क्यों नहीं दिखता कि प्राइवेट सेक्टर में कोई भी एम्प्लॉई है उसका चाहत है पैसा, यानी कि उसका मेन मोटिव जो होता है जो एक तरह से वो सेल्फ ओरिएंटेड है टुवर्ड्स पैसा, और वो पैसा उसका जो गोल है वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल के साथ समअप हो जाता है। कैसे? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन भी चाहता है प्रॉफिट के बारे में और इंडिविजुअल भी चाहता है कि कैसे ना कैसे मेरा फायदा हो। जबकि जो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें ऐसा नहीं है। अगर कंपनी फायदा करेगी तो वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा एम्प्लॉयज में। प्राइवेट सेक्टर में ऐसा होता है, इसलिए ये दोनों एडमिनिस्ट्रेशन के गोल और ऑर्गेनाइजेशन के गोल और एक पर्सनल है उसके गोल समअप हो जाते हैं, उसके गोल जुड़ जाते हैं, इसलिए ज़्यादा एफिशिएंसी रहती है। जबकि ब्यूरोक्रेसी में आप देखेंगे तो जो जो वर्क करता है यानी जो क्लर्क है या बाबू है वो काम करता है, वो हाईली डिपेंडेंट रहता है अपने सुपीरियर पे, जो वहाँ चीफ एग्जीक्यूटिव होगा या जो ऑफिसर होगा उसका जो भी प्रिविलेज मिलना है, या आज उसको छुट्टी मिलनी है या ड्यूटी से ऑफ लेना है या कहीं घर जाना है या उसका प्रमोशन है, उसका अप्राइजल रिपोर्ट है, वो निर्भर करता है उसके सुपीरियर पे। ब्यूरोक्रेसी में कोई प्रॉफिट लॉस नहीं है। क्यों? इसको गॉर्डन बताते हैं क्योंकि ब्यूरोक्रेसी सपोर्टेड है बजट से। बजट के होने से ब्यूरोक्रेसी कभी फायदे और नुकसान के बारे में नहीं सोचता, और उसके इम्प्लाई जो होते हैं वो निर्भर रहते हैं अपने सुपीरियर पे, जो भी प्रिविलेज और प्रमोशन है, इसीलिए वो सुपीरियर को खुश करने के चक्कर में रहते हैं ताकि उनका अपना फायदा हो। तो सेल्फिशनेस के पे उनका यही है बयान कि कैसे पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन का जो सेल्फिशनेस वो इम्प्लॉय में किस तरह से है और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का भी सेल्फिशनेस किस तरह से है। वो बोलते हैं कि दोनों सेल्फिश हैं, लेकिन एक का जो सेल्फिशनेस है, एक का जो मोटिव है, वो क्लब हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ, क्योंकि वहाँ प्रॉफिट शेयरिंग है। यहाँ प्रॉफिट शेयरिंग है नहीं, प्रॉफिट है ही नहीं, तो शेयरिंग कहाँ से होगा? इसीलिए ये सुपीरियर पे भरोसा करते हैं ताकि वो पे और प्रमोशन बढ़ाएं, इसीलिए ये एफिशिएंसी पे जोर नहीं देते, आउटपुट पे जोर नहीं देते, केवल प्लीज करने के चक्कर में रहते हैं अपने सुपीरियर को। ये पहला है सेल्फिशनेस। दूसरा है एब्सेंस ऑफ कंपटीशन। तो जो बोलते हैं कि पब्लिक अगर ऑर्गेनाइजेशन में है वहाँ कहीं भी कोई कंपटीशन देखने को नहीं मिलता,
इसीलिए यहाँ कोई डिसिप्लिन नहीं है, जबकि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में आप देखें तो डिसिप्लिन हर एक आपको लेवल पर नजर आता है। ये डिसिप्लिन कैसे आता है? कंपटीशन से आता है। अगर कंपटीशन ज़्यादा रहेगी तो होड़ मची रहेगी कि सस्ते से सस्ता इफिशियंट से इफिशियंट गुड्स और सर्विसेज कैसे प्रोवाइड कराए जाए, तो यहाँ कंपटीशन है। जबकि जो स्टेट है या जो ब्यूरोक्रेसी है वहाँ पे ये एब्सेंस ऑफ कंपटीशन देखने को मिलता है, तो इसके बारे में उनका ये बोलते हैं। तीसरा ये बोलते हैं एब्सेंस ऑफ एप्रोप्रिएट मेजरिंग टूल। ये बोलते हैं कि जो मेजरिंग टूल्स है ये किसके बारे में मेजर करने के लिए बात करते हैं, यहाँ परफॉर्मेंस अप्राइजल के बारे में ये बात करते हैं। यानी कि कोई भी वर्कर या एम्प्लॉय कितना एफिशिएंट है, इसको मेजरिंग करने का टूल प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा अच्छा है, जबकि पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन में ये कम है। अप्राइजल सिस्टम जो कमज़ोर है वो उसका कारण बताते हैं, क्योंकि हमारा जो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली वैल्यू सिस्टम पे बेस्ड है और जो उनका है वो प्रॉफिट पे बेस्ड है, इसलिए वो ज़्यादा एफिशिएंटली जज कर लेते हैं। अगर जो ज़्यादा प्रॉफिट दिला रहा है या ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट दिलाने के लिए काम कर रहा है तो उसको ज़्यादा एफिशिएंट मानेंगे, जबकि अपना सिस्टम है वैल्यू बेस्ड। तो वैल्यू बेस्ड अगर सिस्टम रहेगा तो कोई भी चीज़ें वैल्यू बेस्ड सिस्टम में नकार दी जाएंगी, वो आपको देख के सामने नहीं आएगा। अगर कोई स्टाफ हम्बल है या अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन हम्बल है टुवर्ड्स एल्डरली, या कोई विधवा है या एल्डरली है या कुछ इस तरह से हम्बल है किसी के प्रति अगर कोई ब्यूरोक्रेट, तो वो उसके सैलरी में रिफ्लेक्ट होकर नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई एजेंट है किसी प्राइवेट बैंक का, अगर वो चार पाँच जितने अपने टारगेट पूरे करता है और प्लस एक्स्ट्रा वो लेके आता है कस्टमर, तो उसको एफिशिएंट माना जाएगा। तो जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है वो वैल्यू बेस्ड है, इसलिए हम लोग परफॉर्मेंस को सही से मेजर नहीं कर पाते, जबकि जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है वो बेसिकली प्रॉफिट ड्रिवन है, इसलिए हम लोग वहाँ परफॉर्मेंस अच्छे से अप्राइजल कर सकते हैं। तो गॉर्डन टलोक ये तीन चीज़ों के बारे में बताते हैं कि इन तीन चीज़ों का जो हमारा स्टेट है उसके साथ ये तीन चीज़ें नहीं है स्टेट के साथ, तो वो बोलते हैं कि मार्केट मैकेनिज्म को हम लोग लेके आना चाहिए। सब ने मार्केट मैकेनिज्म पे जोर दिया है, सबके कहने का मतलब वही है, इंस्टीट्यूशनल प्लुरलिज्म आना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक का च्वाइस होना चाहिए सेलेक्ट करने का। इसलिए ज़्यादा कंपनियां रहेंगी तो पब्लिक के पास ज़्यादा च्वाइसेज रहेंगे, और सब वही बात कर रहे हैं कि मार्केट को भी शामिल करना चाहिए, एक रोल रहना चाहिए, स्टेट को रोल बैक होना चाहिए, कंट्रोलिंग करना चाहिए और ज़रूरी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करना चाहिए। अगला हम व्यू देखते हैं एंथोनी डाउन्स का। एंथोनी डाउन्स ने एक बुक लिखी थी इनसाइड ब्यूरोक्रेसी, जो कि पब्लिश हुई थी 1967 में। एंथोनी डाउन्स बोलते हैं कि मैन है वो सेल्फ ओरिएंटेड है और सेल्फिश है, मतलब सबका कॉन्सेप्ट घुमा फिरा के वही है, इकोनॉमिक मैन का कॉन्सेप्ट बोलते हैं। वो बोलते हैं कि डिसिप्लिन के एब्सेंस में वो ओरिएंटेड है टुवर्ड्स 3P, कहने का मतलब उसका झुकाव 3P के मतलब पीछे है। वो 3P क्या है? वो बोलते हैं कि पे पावर एंड प्रिविलेज, यानी कि वो हमेशा पे पावर और प्रिविलेज के चक्कर में हमेशा पड़ा रहता है, क्योंकि ये रेशनल मैन का कॉन्सेप्ट हर कोई बोलता है। जितने भी आपको थ्योरिस्ट मिलेंगे पब्लिक चॉइस अप्रोच के, तो सबका लगभग सेम ही है, मतलब एक तरह से वो बोलते हैं। तो वो बोलते हैं कि ये जो सेल्फ ओरिएंटेशन है, ये सेल्फिशनेस है, जो सेल्फिशनेस है लोगों में या जो एम्प्लॉई है उनको कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए, वो खुद ही सॉल्यूशन बताते हैं और खुद ही प्रॉब्लम बताते हैं। वो बोलते हैं कि मॉनिटरिंग एजेंसी की स्थापना करनी चाहिए, और वो बताते हैं कि मॉनिटरिंग एजेंसी इसको चेक कर सकती है, लेकिन मॉनिटरिंग एजेंसी के साथ भी कुछ कुछ समस्याएं हैं जिन पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। वो समस्या क्या क्या है? बोलते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपका सरकारी है, वो काम कर रहा है, यानी वो भी ब्यूरोक्रेसी का पार्ट है, ठीक है। आपकी जो मॉनिटरिंग एजेंसी है वो भी ब्यूरोक्रेटिक एजेंसी है, ठीक है। तो दोनों साथ साथ में एग्जिस्ट करेंगे, वो क्या करेंगे, ये उसको सर्व करेगा, ये वो उसको सर्व करेगा, यानी ये नहीं एक दूसरे को दोनों खुजलाएंगे, तू मेरी खुजला मैं तेरी खुजलाता हूँ, वो वाली बात हो जाएगी, क्योंकि वो दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अगला वो बोलते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर हैं वो हमेशा कोई ना कोई स्ट्रेटजी निकाल लेंगे कि कैसे बचा जाए इन मॉनिटरिंग एजेंसी से, कहने का मतलब वो कोई ना कोई बहाना तलाश लेंगे। आप अगर आप ब्यूरोक्रेसी के मेंबर हैं तो आपको पता रहेगा कि ब्यूरोक्रेसी के यानी किसी ऑर्गेनाइजेशन के लूप होल्स क्या हैं, वो हर एक कलर को पता रहता है कि आप ये एप्लीकेशन पुटअप कर दीजिए हम ये काम करवा देंगे, तो उसको लूप होल्स पता है। तो जो मॉनिटरिंग एजेंसी चेक करने आएगी उससे कुछ ना कुछ तिक्रम लगा के वो लोग बच ही जाएंगे। इस प्रिंसिपल को उन्होंने बोला लॉ ऑफ काउंटर कंट्रोल।
लॉ ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल क्या है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको लोग खुद को बचाव के लिए कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी डेवलप कर लेंगे मॉनिटरिंग एजेंसी से बचने के लिए। इसको वो बोलते हैं कि एक समस्या ये भी है लॉ ऑफ काउंटर कंट्रोल। तीसरा वो बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कंट्रोल। ठीक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कंट्रोल क्या कहता है कि जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन साइज में बढ़ेगा कंट्रोल कम होगा। इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ कि मान लीजिए कि आपका प्रिंसिपल आपके क्लास में बैठा हो, ठीक है, और आपको कोई काम दे करने के लिए, तो वो आपके सामने बैठा रहेगा तो आप वो काम जरूर करेंगे। अगर प्रिंसिपल अपने ऑफिस में बैठा है बोला है कि इस काम को कर देना, तो आप उसमें चिल करेंगे, कुछ देर खाएंगे पियेंगे, इधर उधर करेंगे, फिर कोई काम करेंगे। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कंट्रोल ये बोलता है कि जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन का साइज बढ़ता है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होगा, वैसे ही जो सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, यानी कि कोई एक आदमी जो टॉप डाउन मॉडल है या ऊपर से कंट्रोल्ड हो रहा है, उससे आप जितने दूर जाएंगे तो आप अपनी मर्जी का काम करेंगे, यानी कि उसका जो कंट्रोल है, जो सेंट्रल कंट्रोल है, वो कमजोर पड़ता जाएगा। तो ये बोले कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कंट्रोल भी एक प्रॉब्लम है। ठीक है, आगे देखते हैं, वो बोलते हैं कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कोऑर्डिनेशन, ये भी एक प्रॉब्लम आएगा मॉनिटरिंग एजेंसी के चेक करने में। कैसे कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कंट्रोल क्या कहता है कि जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बढ़ेगा उसके सब डिवीजन होंगे, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन में छोटे छोटे सब ऑर्गेनाइजेशन इमर्ज होकर आएंगे। ये जो सब ऑर्गेनाइजेशन आएंगे इनके अपने अपने सब गोल होंगे, ठीक है, और वो उनके जो गोल होंगे वो हो सकता है कि इनलाइन नहीं हो ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल होता है। तो सब अपने अपने गोल के चक्कर में रहेंगे, इसीलिए कोऑर्डिनेशन स्थापित नहीं होगी और जो ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन गोल है उस गोल पे क्षति पहुंचेगी। तो ये बोले कि ये चार प्रॉब्लम आएगी मॉनिटरिंग एजेंसी के साथ। ठीक है, तो उसको खत्म करने के लिए बोल रहे हैं कि पब्लिक सेक्टर को रिप्लेस कर देना चाहिए मार्केट इकोनॉमी से। तो सबका घुमा फिरा के आशय यही है। चलते हैं आगे। आगे हम जिक्र करते हैं विलियम निक्सेनन के व्यूज का। विलियम निक्सेनन ने एक बुक पब्लिश की थी ब्यूरोक्रेसी एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट 1971 में। विलियम निक्सेनन बोलते हैं कि ब्यूरोक्रेसी जो है या ब्यूरोक्रेस्ट है वो लीस्ट बोदर रहते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के लिए, यानी कि वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। क्यों ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं? क्योंकि अगर पैसा कम होता है तो गवर्नमेंटल जो बजट है वो उसको सपोर्ट करता है। दूसरा वो बोलते हैं कि वो हमेशा मोनोपोली इंजॉय करते हैं, यानी कि अगर किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करना है तो उसमें वो मोनोपोली इंजॉय करते हैं। ये विलियम निक्सेनन का व्यू है 1971 का, उस समय की बात हो रही है, इसीलिए हो सकता है कि अभी रिलेवेंट ना लगे आज के प्रस्पेक्टिव में। तो बोलते हैं कि मोनोपोली इंजॉय करते हैं, इससे क्या है कि सिस्टम में इनएफिशिएंसी और इनइफेक्टिवनेस आती है। तो वो बोलते हैं कि चार तरीके से ब्यूरोक्रेसी को ये इफेक्टिव बनाया जा सकता है। तो वो चार मेथड देते हैं। बोलते हैं पहला मेथड कि ब्यूरोक्रेसी को अकाउंटेबल बना दिया जाए एग्जीक्यूटिव और पॉलिटिकल एजेंसीज के। कैसे? क्योंकि वो उत्तरदायी होंगे, एग्जीक्यूटिव जो मिनिस्टर हैं अगर उसको उत्तरदायी होंगे या और भी पॉलिटिकल एजेंसीज को, तो वो एक तरह से अकाउंटेबल बनेंगे, वो अपना टास्क इफिशियंटली करेंगे। दूसरा वो बोलते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कंपटीशन थ्रू इंस्टीट्यूशनल पोलराइजेशन, यानी कि सारे लोग एक ही स्कूल का थॉट है तो सब लोग उसी पे बात करेंगे। आपको समझ में आ रहा होगा पब्लिक चॉइस थ्योरी क्या बोल रहा है। तो ये भी बोलते हैं कि अगर कंपटीशन आएगा तो इकोनॉमी और एफिशिएंसी आएगी सिस्टम में। ये भी इंस्टीट्यूशनल पोलराइजेशन की बात करते हैं, यानी कि एक सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन या कंपनियां होनी चाहिए। वो बोलते हैं आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग आउट के बारे में। आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग आउट के बारे में कहने का मतलब है कि परमानेंट रिक्रूटमेंट मत कीजिए किसी का। आप या 3 या 4 साल के लिए या 2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर किसी चीज़ को रखिए। उसको क्या बोलिए कि आपका परफॉर्मेंस हम जज करेंगे लास्ट में, अगर आप इफिशियंटली काम करेंगे तभी आपको हम कंटिन्यू करेंगे, वरना आपको सर्विस से निकाल देंगे। तो ये कॉन्ट्रैक्टिंग आउट की बात करते हैं। चौथा सुझाव देते हैं ब्यूरोक्रेसी को एफिशियंट बनाने के लिए कि जो भी कस्टमर है उनको आप ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कीजिए, यानी कि जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आप दे रहे हैं कस्टमर को उसको आप ज़्यादा उसके जो भी डिटेल्स है उसको आप बताइए उनको कि ये क्या है, क्यों है, कैसे है, उस सर्विसेज के बारे में, उस प्रोडक्ट के बारे में। आगे वो बात करते हैं कि जो पब्लिक चॉइस थ्योरी है ये इनहेरेंटली, यानी कि ये अंदर से एक तरह से अनप्रोडक्टिव नहीं है। वो इसके कारण बताते हैं, जैसे सीक्रेसी, मोनोपोली, इनडिसिप्लिन जो है इसी के चलते जो स्टेट है या ब्यूरोक्रेसी है ये अनप्रोडक्टिव है। अगर हम इसको ही ख़त्म कर दें, ठीक है, और ट्रांसपेरेंसी या कस्टमर चॉइस या डेमोक्रेटाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन को हम लोग ला लें, तो ये जैसे मार्केट इकोनॉमी हमारा सक्सेसफुल है, मार्केट मैकेनिज्म सक्सेसफुल है, वो उस तरह से हमारा जो ब्यूरोक्रेसी भी है या जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन भी है, जो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी सक्सेसफुल होगा।
तो अगर स्टेट ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करेंगे तो स्टेट भी सक्सेसफुल होगा या स्टेट के जो भी ऑर्गेनाइजेशन है सक्सेसफुल होगा। तो निस्केनन इस बात को सिरे से नकारते हैं कि ये पूरा के पूरा इनफिशियंट है। ये मानते हैं कि ये इनफिशियंट है लेकिन ये इनहेरेंट नहीं है, ये शुरू से ही ऐसा नहीं है। इसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं जिसके चलते ये इनफिशियंट बनता है। अगर जो मार्केट इकोनॉमी की चीज़ें हैं वो फीचर्स हैं अगर हम इसमें ला दें जैसे ट्रांसपेरेंसी, कस्टमर चॉइस वगैरह, तो हमारा जो स्टेट ऑर्गेनाइजेशन है वो भी सक्सेसफुल हो जाए। तो विलियम निस्केनन के व्यू हैं। आगे एक थ्योरी आती है प्रिंसिपल एजेंट थ्योरी। प्रिंसिपल एजेंट थ्योरी ये पब्लिक चॉइस थ्योरी का एक तरह से आइडियोलॉजिकल अप्रोच है। प्रिंसिपल एजेंट थ्योरी क्या बोलता है कि जो गवर्नमेंट है उसको एक प्रिंसिपल एजेंसी की तरह रहना चाहिए और वो जितने भी प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं उसको आप कॉन्ट्रैक्ट आउट कर देना चाहिए गवर्नमेंट को, यानी प्रिंसिपल एजेंसी को, किसी थर्ड पार्टी को आप कॉन्ट्रैक्ट आउट कीजिए। उस थर्ड पार्टी को आप बोलिए कि आप ऑटोनोमी है आपका, जो करना है सो करो, बट आप रिस्पॉन्सिबल होगे गवर्नमेंट के प्रति, यानी कि प्रिंसिपल एजेंसी जो गवर्नमेंट है उसके प्रति वो उत्तरदायी होगा अपने रॉन्ग डूइंग के लिए। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एजेंट थ्योरी। यानी प्रिंसिपल कौन है इसमें, गवर्नमेंट है, एजेंट कौन है, थर्ड पार्टी है। तो प्रिंसिपल एजेंट थ्योरी ये हो गया। जैसे कि आज के दौर में जो MOU साइन होता है गवर्नमेंट के बीच में या प्राइवेट कंपनी के बीच में किसी भी चीज़ के कंस्ट्रक्शन के लिए, जैसे ब्रिज और रोड है या कोई हॉस्पिटल है या कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके निर्माण के लिए अगर कोई MOU साइन होता है आज के दौर में, तो वो प्रिंसिपल एजेंट थ्योरी उसका का एग्जाम्पल है ये। और ये एक तरह से पब्लिक चॉइस थ्योरी का ही आइडियोलॉजिकल अप्रोच माना गया है, यही है ये। चलते हैं आगे। हमने डिस्कस किया इसके कुछ जो इम्पोर्टेंट थ्योरिस्ट थे जो अपने विचार दिए थे उनके बारे में हम लोग ने डिस्कस किया, लेकिन इसके कुछ क्रिटिसिज्म भी हैं। सबसे पहला क्रिटिसिज्म है कि प्राइवेट सेक्टर है वो प्रॉफिट के लिए काम करता है। ये क्रिटिसिज्म में बोला जा रहा है कि प्राइवेट सेक्टर है वो प्रॉफिट के लिए काम कर सकता है, जहाँ लो प्रॉफिट है और लॉन्ग जेसेशन है। कहने का मतलब जहाँ कम हमें लाभ है और जो पीरियड है किसी भी प्रोजेक्ट का वो बहुत लंबा है। मान लीजिए कोई ब्रिज है, अगर उसको 20 साल में बनना है तो हो सकता है कि वो पब्लिक सेक्टर वहाँ, जो प्राइवेट सेक्टर है वहाँ पे इन्वेस्ट ना करे। जेसेशन पीरियड कम है, यहाँ जहाँ आउटपुट मिलना हो सकता है कि आज मैं खर्चा करूँ और हो सकता है कि मुझे टोल प्लाजा से 10 साल बाद वसूली करना हो और उससे मैं अपना चुकाऊँ, तो प्राइवेट सेक्टर इसमें नहीं चाहता है कि मैं ज़्यादा घुसूँ। मैंने एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल लिया, उस ब्रिज को एग्जाम्पल को सीरियसली ना लीजिए, लेकिन प्राइवेट सेक्टर नहीं चाहता है कि लो प्रॉफिट वाले एरिया में और जहाँ ज़्यादा टाइम के बाद मुझे प्रॉफिट मिले उसमें घुसे। और जो हमारा पब्लिक चॉइस अप्रोच यही बोलता है कि प्राइवेट सेक्टर को लाओ। तो ये एक क्रिटिसिज्म है इसका पहला। दूसरा क्रिटिसिज्म है कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जहाँ ये मार्केट मैकेनिज्म आप अप्लीकेबल नहीं कर सकते हो। जैसे कि डिफेंस हो गया, डिफेंस में आप कैसे प्राइवेटाइज कर दोगे, ठीक है, डिफेंस तो एक ही रहेगा, उसमें प्राइवेटाइजेशन नहीं हो सकता। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जितने हैं वो आप तो एक ही रखोगे, वहाँ तो दो सुप्रीम कोर्ट तुलना ले सकते हो। टैक्स कलेक्शन हुआ, टैक्स कलेक्शन गवर्नमेंट ही टैक्स कलेक्ट कर सकती है, नहीं तो क्योस हो जाएगा और बहुत सारे लोग टैक्स कलेक्ट करने लगे। तो इन सब केस में इंस्टीट्यूशनल प्लोरिज्म ये है और बहुत सारे केसेज हैं। यहाँ इंस्टीट्यूशनल प्लोरिज्म की जो बात करता है पब्लिक चॉइस अप्रोच, ये वाइबल नहीं है, ये यहाँ पे आप अप्लाई नहीं कर सकते। तीसरा है क्रिटिसिज्म कि इट कम्प्लीटली टेक्स आउट वैल्यूज आउट ऑफ पीए। जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमारा वैल्यू बेस्ड है, पूरा वैल्यू बेस्ड है ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि ये हमेशा आप इसको प्रॉफिट ओरिएंटेशन के नज़र से नहीं देख सकते। रेलवे हमारी मान लो घाटे में जा रही है लेकिन हम पब्लिक सर्विस के लिए उसका उपयोग कर रहे हैं, हमें सदर अस्पताल से कोई भी प्रॉफिट नहीं मिल रहा है लेकिन वैल्यू जीरा है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ सर्विस मोटिव जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए वो काम कर रही है। तो पब्लिक चॉइस अप्रोच क्या करता है, इससे वैल्यू को दूर करता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दूर इसलिए करता है क्योंकि जो पब्लिक चॉइस अप्रोच है वो सीधे मार्केट मैकेनिज्म पे ध्यान दे रहा है, यानी कि एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस और प्रॉफिट, इन चीज़ों पे ध्यान दे रहा है, तो वैल्यूज इस चीज़ में पीछे हट जा रही है। तो इसीलिए बोला गया है कि ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से वैल्यू को निकाला है। तो ये था पब्लिक चॉइस अप्रोच। मैं आपको बोलूँगा कि इसके बाद आप कोई भी बुक रेफर कीजिए, केवल वीडियो से चलने वाला नहीं है काम। वीडियो से आपको एक आइडिया मिल जाता है कि हाँ आखिर ये कहना क्या चाहता है, इसका अप्रोच कहने का मतलब क्या है। इसके बाद अगर आप रेफर करेंगे कोई भी बुक तो मुझे लगता है कि आप 80-90% उस बुक को समझ जाएंगे। आप फर्स्ट चांस में पढ़ेंगे तो थोड़ा समझना मुश्किल होगा। नेक्स्ट हम लोग शुरू करेंगे न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद।